हेलो गाइस, आई एम वैशाली केकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ फॉर इंजीनियरिंग। एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो कि IoT थी, वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस काफ़ी सारी वीडियो में देख लिया है बहुत डिटेल में। अब हम बात कर रहे हैं 3D प्रिंटिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू द 3D प्रिंटिंग। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, हाईली रिकमेंडेड है एटलीस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट देख आइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटिंग के बारे में। सो 3D प्रिंटिंग, आई होप आपको याद होगा 3D प्रिंटिंग क्या है। जैसे नॉर्मल प्रिंटिंग होती है, वहां से पेपर हटा दीजिए, सिर्फ जैसे हम इंक डाल रहे हैं, इंक की जगह हम मोल्टन प्लास्टिक डाल देते हैं। एक एग्जांपल है, जैसे कि आप यहां फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रिंटर से बन रहा है, बस बहुत सारी लेयर के ऊपर लेयर हम प्लास्टिक की डाले जा रहे हैं, जिससे कि एक 3D टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है। सो नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ द 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। जो सबसे बेसिक टाइप है वो है ट्रेडिशनल 3D प्रिंटर। अब जो ट्रेडिशनल 3D प्रिंटर है उसी को ही हम 3D प्रिंटर भी बोलते हैं। ये सिंपलेस्ट टाइप का 3D प्रिंटिंग मेथड है। इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ 3D प्रिंटिंग मेथड। जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, प्रिंटर से एक 2D स्ट्रक्चर बनता है। 2D स्ट्रक्चर सबसे नीचे वाली लेयर हो गई, राइट। पेपर पे प्रिंट करते हैं हम, उसकी जगह हमने क्या करा, नॉर्मल सरफेस पे प्रिंट कर दिया विदाउट पेपर, राइट। तो वो स्ट्रक्चर का एक 2D स्ट्रक्चर आ गया है। उसके ऊपर एक और लेयर बनाई सेम स्ट्रक्चर की, उसके ऊपर एक और लेयर सेम स्ट्रक्चर की, एक और लेयर सेम स्ट्रक्चर की, ऐसे हमने बहुत सारी लेयर्स बना दी सेम स्ट्रक्चर की और हमारे पास एक 3D आउटकम ऑब्जेक्ट आ गया। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, द एडिटिव्स आर लेयर्ड इन बेसिक 2D वे अक्रॉस XY एक्सिस। जो 2D स्ट्रक्चर्स होते हैं XY एक्सिस के अक्रॉस, उसको लेयर बाय लेयर बनाते हैं। तो यही बेसिकली इंकजेट प्रिंटर की फंक्शनिंग है, सेम ही होता है, बट लेयर बाय लेयर फॉर्म में ऐड होती जाती है बहुत सारी लेयर्स, तो हमें 3D स्ट्रक्चर मिल जाता है और इसे सिंपली हम 3D प्रिंटिंग भी बोलते हैं। जो नेक्स्ट टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी, जो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, वो उनके अलग अलग स्पेशलाइज्ड नाम है। जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी को ही सिंपली हम 3D प्रिंटिंग बोलते हैं। सो जैसे यहाँ पर एक एडवांस्ड वर्जन भी है, एडवांस्ड वर्जन ऑफ 3D प्रिंटिंग जो कि ट्रेडिशनल 3D प्रिंटिंग है, उसका एक एडवांस वर्जन है पॉलीजेट फोटोपॉलीमर 3D प्रिंटिंग। पॉलीजेट फोटोपॉलीमर 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, यहाँ पर एक ट्रेडिशनल इंकजेट मेथड होता है। ट्रेडिशनल इंकजेट मेथड मतलब ट्रेडिशनल इंकजेट मेथड से तो हमारे पास इंक आएगी, बट यहां पर हम क्या यूज करते हैं इसकी जगह, फोटोपॉलीमर लिक्विड। अब फोटोपॉलीमर लिक्विड आ गया, इस पे यूवी लाइट डाली सॉलिडिफाई, फिर दूसरी लेयर में फोटोपॉलीमर लिक्विड आया, फिर यूवी लाइट डाली सॉलिडिफाई, फिर तीसरी लेयर फिर से फोटोपॉलीमर लिक्विड डाला, फिर से यूवी लाइट डाली सॉलिडिफाई। तो यहां पर क्या हो रहा है, फोटोपॉलीमर अलाउज टू फॉर्म अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। यहां पर हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ मटेरियल बना सकते हैं इन द असॉर्टमेंट ऑफ कलर्स एंड वेरी हाई रेजोल्यूशन प्रिंट्स हम बना सकते हैं। तो रेजोल्यूशन बहुत अच्छी हो जाती है 3D प्रिंटिंग में। कमिंग टू द स्टीरियोलिथोग्राफी, स्टीरियोलिथोग्राफी विच इज SLA, ये क्या है, केमिकल बेस्ड टेक्निक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास लाइट सेंसिटिव केमिकल होते हैं और लेजर होता है। सो यहाँ पर क्या हो गया, यूवी लाइट की जगह हमारे पास लेजर आ गया। सो केमिकल कैसे हम ओरिएंट करेंगे, केमिकल्स को हमने ओरिएंट करा जिससे कि जो लेजर है वो इनके ऊपर हमने डाला लेजर लाइट। जैसे ही हम केमिकल के ऊपर डालेंगे लेजर लाइट से, जो केमिकल्स हैं ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे, जो लिक्विड केमिकल होंगे ये सॉलिड केमिकल बन जाएंगे। द 3D प्रिंटर दैट यूजेस दिस मेथड आर डिजाइन टू मैन्यूवर द यूवी लेजर अक्रॉस द थिन सरफेस ऑफ द केमिकल लिक्विड इन द डिजाइन ऑफ द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट। पूरी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लेजर है उसकी लाइट गिरती रहेगी, जैसे जैसे एक एक लेयर सॉलिडिफाई हो जाएगी उसे नीचे डालेंगे, लोअर्ड कर देंगे, उसे थोड़ा नीचे कर देंगे और एक केमिकल लिक्विड में सबमर्ज कर देंगे। सबसे पहले लेयर बनी, लेयर हमारी लिक्विड थी, उसके ऊपर यूवी लेजर डाला सॉलिडिफाई हो गई, उसे नीचे डाल दिया एक लिक्विड के अंदर। तो जैसे ही वो लिक्विड के अंदर गई, इसके ऊपर दूसरी लेयर फिर से आ गई सेम प्रोसेस से, यूवी लेजर देन क्रिएट अनदर सॉलिड लेयर। सो जिससे हम क्या हो जा रहा है, ये सारी लेयर एक दूसरे के ऊपर आती जा रही हैं और ये जो केमिकल है, जो जिस केमिकल के अंदर हम इसे सबमर्ज करवा रहे हैं, ये इसे हमारा इसको जोड़ने के काम आएगा। सारी लेयर्स एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे, एडहेसिव की तरह काम करेगा ये जो केमिकल लिक्विड है। सो फाइनल प्रोडक्ट इज सॉलिडिफाइड एंड नाउ कंप्लीट व्हेन वी गेट ऑल ऑफ द लेयर्स।
राइट सो ये जो स्टीरियोलिथोग्राफी मेथड है इससे हमें बहुत हाई लेवल ऑफ डिटेलिंग और फिनिशिंग मिल जाती है जो भी हम सरफेस बनाना चाह रहे हैं या जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं उसके सरफेस पे। जो पूरी प्रिंटिंग प्रोसेस है ये केमिकल लिक्विड के अंदर होती है, राइट एक केमिकल लिक्विड है इसके अंदर होती है। और जो फिनिशिंग है, फिनिशिंग में क्या करते हैं हम, जो सॉलिडिफाइड 3D ऑब्जेक्ट है उसे केमिकल से निकालते हैं और फिर देन वी विल नाउ रिमूव इट फ्रॉम द लिक्विड एंड देन वी डू द फिनिशिंग, राइट सो वी विल नाउ डू द फिनिशिंग। सो ये प्रोसेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, चार्ल्स हर्डले डिस्कवर करी थी 1983 में। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ 3D प्रिंटिंग है वो है फ्यूज डेपोजिशन मॉडलिंग। इट इज़ द यूज ऑफ मोल्टन मटेरियल दैट बिकम सॉलिड। तो हम मोल्टन मटेरियल को लेते हैं, अब हीट से हमें पता है जैसे थर्मोप्लास्टिक के ऊपर हीट डालेंगे वो लिक्विडिफाई हो जाएगा, और अगेन जैसे ही वो जैसे ही उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे ही हम उसको प्रिंट कर देते हैं उसके बाद टेम्परेचर कम करेंगे वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगा। सो नाउ जैसे ही हम सरफेस के ऊपर मोल्टन मटेरियल को प्रिंट करेंगे और यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगा। इससे हम सक्सेसिव लेयर्स बनाते रहेंगे और 3D डिज़ाइन हमें बन जाएगा। सो दिस टेक्निक ऑल्सो यूज फूड बेस्ड मोल्टन मटेरियल। फूड बेस्ड मोल्टन मटेरियल को भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चीज़, चॉकलेट्स, और यहाँ पर भी हम कॉम्प्लेक्स शेप्ड फूड आइटम्स बना सकते हैं जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में पॉसिबल नहीं है। इट इज़ अ मोस्ट अफोर्डेबल टाइप ऑफ 3D प्रिंटिंग अवेलेबल इन द मार्केट। मोस्ट अफोर्डेबल, मोस्ट कॉमन वॉज ट्रेडिशनल 3D प्रिंटिंग, मोस्ट अफोर्डेबल इज फ्यूज डेपोजिशन मॉडलिंग, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई और केमिकल यूज नहीं करना पड़ रहा है लेयर्स को एडहेसिव करने के लिए, राइट सो लेयर्स क्योंकि मोल्टन स्टेट में खुद से ही एक दूसरे के ऊपर जुड़ जाएंगी, यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा एडहेसिव यूज करने की जरूरत नहीं है। देन कमिंग टू द सिलेक्टिव लेयर सिंटरिंग SLS, इट इज द फोर्थ मेथड। यहाँ पर क्या होगा, हम पाउडर्ड मेथड, पाउडर्ड मटेरियल यूज करते हैं, पाउडर मटेरियल एक दूसरे के ऊपर फ्यूज हो जाते हैं या तो हीट से या फिर एडहेसिव से। सो या तो हम सबसे पहले बहुत सारी लेयर्स बना लेंगे उसके ऊपर या तो हीट देंगे या फिर एडहेसिव कुछ केमिकल डालेंगे जिससे ये सब आपस में जुड़ जाएंगे। सो पाउडर्ड मटेरियल, हमने इनिशियल मटेरियल जो लिया है सिलेक्टिव लेयर सिंटरिंग में वो पाउडर्ड मटेरियल लिया है और लेजर की हेल्प से हम इसे जोड़ते हैं, राइट सो दिस मेथड इज कॉल्ड सिलेक्टिव लेयर सिंटरिंग एंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल 3D प्रिंटिंग एंड पाउडर्ड लेजर्स। जो पाउडर्ड लेजर्स हैं यूवी लाइट नहीं यूज करते हैं, यहाँ पर हम लेजर्स यूज करते हैं, पाउडर प्लस लेजर भी यूज, राइट और यहाँ पर ट्रेडिशनल 3D प्रिंटिंग होता है पाउडर के साथ, इसके साथ हम लेजर यूज करते हैं। सो यहाँ पर स्टीरियोलिथोग्राफी मेथड यूज होता है। सो यहाँ पर SLS में क्या हो गया है, केमिकल पूल रिप्लेस हो गया है। केमिकल पूल रिप्लेस किससे हो गया, पाउडर बेस्ड मटेरियल से, राइट सो उस केस में हम क्या करते थे, केमिकल में डुबोते थे जो लेयर बनती थी, यहाँ पर उस केमिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट सो यहाँ पर हम लास्ट में क्या करेंगे, पाउडर्ड मटेरियल के ऊपर लेजर डाल देंगे। सो नाउ कमिंग टू द मटेरियल दैट वी यूज इन द FDM। सबसे पहला जो मटेरियल है वो है ABS और PLA प्लास्टिक। इसके अलावा हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर भी यूज करते हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं नेचर के, राइट सो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हम यूज करते हैं FDM में। सो या तो ABS और PLA प्लास्टिक या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हम यूज करते हैं इन दिस मेथड। जो प्लास्टिक एडिटिव है ये सीधा ही डिस्पेंस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट। सो फिलामेंट जो प्लास्टिक की ऐसी लॉन्ग लॉन्ग वायर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रहता है उसको एज अ फिलामेंट हम यूज कर सकते हैं, राइट सो फिलामेंट से ये जो वायर रहेगी, वायर पर्टिकुलर शेप में, ये मशीन के थ्रू पर्टिकुलर शेप, जैसे ये कोई शेप है इसमें कंबाइन हो जाएगी हीट से, फिर इसे हम जोड़ सकते हैं, राइट सो इट इज डिस्पेंस्ड एज फिलामेंट फ्रॉम स्पूल इन हाईली ऑगमेंटेड टाइप ऑफ दिस प्रिंटर। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूज्ड फिलामेंट फैब्रिकेशन। जब हम प्लास्टिक को फिलामेंट की फॉर्म में लेते हैं, वायर की फॉर्म में लेते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूज्ड फिलामेंट फैब्रिकेशन। इस प्रोसेस में भी टाइम लगता है, 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा अगर आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर करना है। सो जो एडिटिव सोर्स है इन द फॉर्म ऑफ स्पूल्ड फिलामेंट ऑफ प्लास्टिक हमने लिया है इन द केस ऑफ फ्यूज्ड फिलामेंट फैब्रिकेशन, राइट सो जो प्रिंटर्स हैं इस मेथड में दे कैन एम्प्लॉय एनी मटेरियल, दे कैन एम्प्लॉय एनी मटेरियल इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक ऑल्सो। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि ये जो मटेरियल है इनकी क्रीमी विस्कोसिटी होनी चाहिए, राइट जैसे कि क्ले, सिलिकन,
चॉकलेट, चीज, फ्रॉस्टिंग, सीमेंट एंड सर्टेन मेटल्स। तो ये सब से हम फ्यूज्ड फिलामेंट फैब्रिकेशन कर सकते हैं या FDM प्रोसेस हम यहाँ पर लगा सकते हैं, राइट। द हीटिंग नेसेसरी फॉर डिफरेंट एडिटिव इज आइदर डन थ्रू इजेक्शन नोजल और एडिटिव स्टोरेज यूनिट बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे अगर मेरा प्लास्टिक का कुछ मेल्टिंग पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको हीटिंग करूंगी जिससे कि सारी लेयर्स आपस में जुड़ जाए। सारी लेयर को जोड़ने के लिए मैं हीटिंग मेथड यूज करूंगी और हीट कहाँ से आएगा, इजेक्शन नोजल से आएगा या फिर इट इज बेस्ड अपॉन द एडिटिव स्टोरेज यूनिट बेस्ड अपॉन रिक्वायर्ड मेल्टिंग पॉइंट। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मेथड मेक्स इट पॉसिबल फॉर द SLS प्रिंटर टू यूज नॉट ओनली ऑल द प्लास्टिक बट ऑल्सो सिरामिक एंड मेटल्स टू फैब्रिकेट ऑब्जेक्ट्स एज वेल। सो हम बहुत सारी ये जो प्रोसेस हैं इनको कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इन्हें कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं तो ना हमें सिर्फ प्लास्टिक के स्ट्रक्चर मिलेंगे बट हम कुछ सिरामिक्स या मेटल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। सो इससे हमें कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव मिल जाता है 3D प्रिंटर का, जिससे कि हमें स्पेशल केसेस में स्पेशल मटीरियल के साथ यूज कर सकते हैं जैसे पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन, ग्लास, मेटल्स एंड अदर एक्सोटिक एडिटिव्स। सो ये सब के साथ भी हम 3D प्रिंटिंग कर सकते हैं। द ओनली डाउट दैट यू कुड हैव नाउ इज दैट मैंने बोला कि हम उस सब्सटेंस को यूज करते हैं जिसका क्रीमी विस्कोसिटी होता है, बट अगर हम दो 3D प्रिंटिंग मेथड्स को कंबाइन करते हैं तो हम पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन, ग्लास जैसे मेटल्स मटेरियल्स के ऊपर भी 3D प्रिंटिंग कर सकते हैं। द पाउडर्ड मटेरियल फ्रॉम दीज सोर्सेज इज ईजी टू फ्यूज। जो पाउडर्ड मटेरियल हम लेंगे इन सब्सटेंसेस का, पाउडर्ड मटेरियल ईजी होता है फ्यूज करना विद द हेल्प ऑफ लेजर। तो सबसे पहले हम 3D प्रिंटिंग करते हैं फिर पाउडर्ड मटेरियल को फ्यूज करते हैं। जो सरप्लस मटेरियल रह जाता है सरप्लस मटेरियल को फिर से हम रीयूज कर सकते हैं जिससे कि अगेन कॉस्टिंग रिड्यूस हो गई है, वेस्टेजेस रिड्यूस हो गए हैं। इट ऑल्सो रिमूव्स द नीड टू यूज ऑफ सपोर्ट एंड ऑल्सो मेक द प्रोसेस मच मोर एफिशिएंट। सपोर्ट्स नहीं चाहिए, प्रोसेस एफिशिएंट हो जाती है, राइट। सो जो 3D प्रिंटिंग है इट विल बिकम इवन मोर डाइवर्स इन द नियर फ्यूचर। जैसे ही इस पर R&D और होगी इससे हमारे को बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस और मिलने वाली हैं। बहुत ज़्यादा अलग अलग फैब्रिकेशंस में 3D प्रिंटिंग नाउ विल बी यूज्ड। वन एविडेंस ऑफ दिस ट्रेंड इज द 2019 एडिशन ऑफ फॉर्म नेक्स्ट विच इज द न्यू प्लेयर कमिंग इनटू द मार्केट। बहुत सारे नए प्लेयर्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं जैसे कि 2019 एडिशन ऑफ फॉर्म नेक्स्ट। जी ये जो इवेंट था इसने पूरी ऑलमोस्ट एंटायर इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करा था। यहाँ पर 852 एग्जिबिटर्स आए थे जहाँ पर 35% ग्रोथ दिखी थी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। जो अब यहाँ पर ग्रोइंग नंबर ऑफ एग्जिबिटर्स हैं इससे पता लग रहा है कि इस इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो स्टेडी ग्रोथ है, राइट। बट द ग्रोथ इज स्टेडी, बट यहाँ से हमें एक और चीज़ पता लग रही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंपनीज आर एंटरिंग इनटू द मार्केट। बहुत सारी कंपनीज मार्केट के अंदर एंटर कर रही हैं एज अ स्टार्टअप और स्पिन ऑफ्स, जिससे कि मार्केट के अंदर कंपटीशन भी इंक्रीज होने वाला है। अ वाइडर रेंज ऑफ एप्लीकेशन स्पेसिफिक मटेरियल्स आर ऑन द होराइजन। एप्लीकेशन स्पेसिफिक मटेरियल अब आने वाले हैं। सो एक रीसेंट सर्वे हुआ था जैबिल के द्वारा। सो एक जैबिल ने एक रीसेंट सर्वे कंडक्ट करा था तो यहाँ पर पता लगा था जो मटेरियल कॉस्ट और अवेलेबिलिटी, ये मटेरियल कॉस्ट अवेलेबिलिटी दो क्रूशियल पैरामीटर्स हैं और आई कैन से चैलेंजेस हैं फॉर द एडॉप्शन ऑफ द 3D प्रिंटिंग फॉर प्रोडक्शन। जैसे कि अगर शू की जो फैक्ट्री है अभी भी अलग अलग पार्ट्स, जो हमारा लेस है वो अलग कंपनी में बन रहा है, राइट, उसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कंपनी के अंदर अलग अलग फैक्ट्री के अंदर बन रहे हैं एंड देन दे आर गोइंग फॉर द कॉम्बिनेशन इन अ डिफरेंट फैक्ट्री। सो वॉट इज द की फैक्टर कि अभी भी हम 3D प्रिंटिंग नहीं यूज कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग में? फर्स्ट इज द मटेरियल कॉस्ट। जो हम मटेरियल यहाँ पर ले रहे हैं, एडेसिव्स ले रहे हैं, उनकी कॉस्टिंग ज्यादा है। अवेलेबिलिटी भी एक इशू है। सो मटेरियल कॉस्ट इज अनलाइकली टू डिक्रीज सब्सटेंशियली। मटेरियल कॉस्ट जल्दी से डिक्रीज नहीं होने वाली है। मोर मटेरियल्स डेवलप्ड विद इंडस्ट्री एप्लीकेशंस आर इन द माइंड, राइट। सो बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स हमें चाहिए होते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग जायंट जो जैबिल था, इट ओपन्ड इट्स मटेरियल इनोवेशन सेंटर। मटेरियल इनोवेशन सेंटर खोला क्योंकि सबसे ज़्यादा की फैक्टर मटेरियल ही है एट द स्टार्ट ऑफ 2019 टू जस्ट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल।
तो यहाँ पर मटेरियल इनोवेशन सेंटर में क्या है, एक फैसिलिटी है फॉर डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलीमर पाउडर्स एंड फिलामेंट फॉर 3D प्रिंटिंग। यहाँ पर डेवलप होते हैं, टेस्ट होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं पाउडर्स, पॉलीमर पाउडर्स, जिससे कि फिलामेंट 3D प्रिंटिंग हो पाए। इसका गोल क्या होता है, टू बी एबल टू टेक एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट फ्रॉम जेबिल और एक्सटर्नल कस्टमर एंड कन्वर्ट देम इनटू मटेरियल दैट कैन बी प्रिंटेड। तो कोई एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट लेनी है आइदर फ्रॉम जेबिल या फिर किसी कस्टमर से, मैं कस्टमर हूँ, या तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट दूंगी या जेबिल से ले लूंगी, और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक मैं 3D प्रिंटिंग आउटपुट बनाऊंगी विद द हेल्प ऑफ दिस मटीरियल। तो इस मटीरियल को टेस्ट करना है, इसको डेवलप करना है, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए वी हैव द मटीरियल इनोवेशन सेंटर, राइट। सो देर आर स्टिल नॉट इनफ ऑप्शंस इन द पॉलीमर 3D प्रिंटिंग मटीरियल ऑन द मार्केट, इतने ज्यादा ऑप्शंस अभी नहीं है, तो देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन द R&D फॉर दिस। सो देर इज अ एक्सपेक्टेशन फॉर द ऑप्शन फॉर हाई टेम्परेचर पॉलीमर 3D प्रिंटिंग एंड मटीरियल। हाई टेम्परेचर जो पॉलीमर 3D प्रिंटिंग होती है उसमें एक बहुत ज्यादा सर्ज आने वाला है। In 2019 only, we saw a surge in high temperature polymer 3D printers. So, 2019 में हमने देखा high temperature polymer 3D printer में बहुत ज़्यादा surge आ गया था, बहुत सारे high temperature polymer 3D printer market में आ गए थे, जैसे companies like Robos, Zordrex, Essentium. So, ये सब companies market के अंदर आई थी, क्यों आई थी, क्योंकि there was a growing demand for high performance thermoplastic like PEEK. एक हाई परफॉर्मेंस थर्मोप्लास्टिक है पीक, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई थी, जिसकी वजह से सब कंपनियां मार्केट के अंदर आ गई थी। ये जो थर्मोप्लास्टिक है इनमें बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, जैसे कि हीट और केमिकल रेजिस्टेंस, इनका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है, जिनकी वजह से इंडस्ट्रीज इनको यूज़ कर रही है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इनकी ज़्यादा हो जाती है लाइक पीक, राइट। बट ड्यू टू सच प्रॉपर्टीज यहाँ पर ये जो केमिकली रेजिस्टेंट है, हीट रेजिस्टेंट है, तो आप कहेंगे क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट है तो इसे एडेसिव कैसे करेंगे, एडेसिव करने के लिए भी हीट से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होनी चाहिए थी, हीट से वो मेल्ट होना चाहिए था तो वो एडेसिव हो जाता सक्सेसिव लेयर्स में, राइट। सो एक लेयर है उसके ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर, दूसरी लेयर, जैसे ही हम हीट देंगे थोड़े मेल्ट हो जाएंगे और जैसे ही फिर से टेम्परेचर नॉर्मल होएगा ये सारे आपस में जुड़ जाएंगे, राइट। सो अगर ये जो स्ट्रक्चर है ये हीट रेजिस्टेंट है तो मेल्ट ही नहीं होएगा, सो देयर इज अ चैलेंज टू प्रिंट आल्सो। 3D प्रिंटर मैन्युफैक्चरर्स आर ओवरकमिंग दिस चैलेंज। कैसे ओवरकम कर रहे हैं ये लोग इस चैलेंज को, बाय इक्विपिंग देयर प्रिंटर विद हीटेड बेड। जो प्रिंटर है वहां पर एक हीटेड बेड लगाते हैं और साथ में हाई टेम्परेचर नोजल लगाते हैं, जिससे ये चैलेंज ओवरकम हो जा रहा है। सो जैसे जैसे हाई टेम्परेचर प्लास्टिक की डिमांड बढ़ती जा रही है, 2020 में हमने देखा हाई टेम्परेचर 3D प्रिंटर्स लॉन्च हुए और इसके साथ पॉलीमर 3D प्रिंटिंग यूज हुई अक्रॉस द वेरियस इंडस्ट्रीज। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटिंग अच्छे से समझ आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस एंड द यूजेज ऑफ द 3D प्रिंटर्स। आई होप यू आर गोइंग टू मीट मी सून इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको सेशन पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। अगर आपको नोट्स चाहिए गो टू आर मोबाइल ऐप, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। कम मीट मी सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।